ये आदमी क्या कर रहे हैं मुझे बताओ, अच्छे दिन होगा बगैर पानी के। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश में इस वक्त चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो तैयारी उत्तर प्रदेश के उत्तर से लेकर पूरब और पश्चिम से लेकर आपके दक्षिण तक चल रही है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो चुनाव होता है जिससे केंद्र की राजनीति तय करी जाती है। कहा जाता है जिस राजनीतिक दल ने उत्तर प्रदेश में अपना झंडा ऊंचा करवा लिया वो केंद्र में आसानी से पहुंच जाता है। और इसका अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत ज्यादा सिद्ध भी होती है। उत्तर प्रदेश में जिस राजनीतिक दल ने अपनी सत्ता जमा ली हो उसने केंद्र में या तो सरकार बनाई है या फिर केंद्र में जो सरकार बनी है उसको सपोर्ट किया है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं उन लोकसभा सीटों में ज्यादातर ऐसी सीटें रहती हैं जो कि विधानसभा में जीते हुए प्रत्याशी ही उन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बनते हैं। अगर हम बीते चुनाव में उठाकर इस आंकड़े को देखें तो ये बात काफी हद तक सही रहती है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो लगातार चुनावों को लेकर सम्मेलन, लगातार रैलियां, लगातार दौरे, लगातार बैठकें, लगातार पीड़ितों से मिलना, लगातार किसानों के मुद्दे को उठाना, लगातार सोशल मीडिया पर वार, लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष करना, लगातार छोटे छोटे दलों को अपने साथ जोड़ना, लगातार दलों का एक दूसरों से अलग होना, लगातार ऐसे हमले वाले बयानों को देना जो कि सामने वाले को नुकसान पहुंचाए, ये राजनीति का हिस्सा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इस वक्त चरम पर है। कारण सिर्फ एक, उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव। आज भी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आजमगढ़ के दौरे पर थे जहां पर उन्होंने जो मेधावी छात्र हैं उन्हें लैपटॉप दिया। इस दौरान उन्होंने कई बातें बोली, वो मैं बताऊंगा। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मेलन किया, जो उनका जातिगत सम्मेलन हो रहा है, पिछड़ा वर्ग सम्मेलन आज उन्होंने किया राजधानी लखनऊ में। और उस सम्मेलन में भी काफी बड़े जो नेता थे, काफी बड़े संख्या में जो कार्यकर्ता थे इस वर्ग के, जो बीजेपी के वोटर रहे हैं, वो शामिल हुए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस की महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी पहुंची हुई है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी अपना गणित भिड़ाने में लगी हुई है कि हमें किसको प्रत्याशी बनाना है, किसे प्रत्याशी नहीं बनाना है। छोटे दलों ने यह सोच रखा है कि जो बड़ी पार्टी बीजेपी को हराने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाली है हम उसके साथ जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में ऐसा ही हो भी रहा है। कल जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया उससे ये साफ साबित हो गया कि अब ये दोनों 2022 का चुनाव एक साथ लड़ेंगे। सत्ता आएगी तो जिन शर्तों पर ये गठबंधन हुआ है वो शर्तें पूरी होती हैं या नहीं होती हैं ये देखना अहम होगा, लेकिन फिलहाल अभी का समीकरण इन दोनों ने आपस में बैठा लिया है। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर ने कई और दलों से अपने जो सामंजस्य थे वो बैठाए थे, लेकिन क्या इस गठबंधन के बाद वो पार्टियां भी ओम प्रकाश राजभर के साथ रहेंगी या नहीं रहेंगी ये भी देखना अहम होगा। जिसमें AIM शामिल है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद की पार्टी शामिल है, जिसमें शिवपाल सिंह यादव खुद शामिल थे। ये सारी जो छोटे छोटे दल थे ये अखिलेश यादव से जब ओम प्रकाश राजभर मिल गए तो अब इन छोटे दलों का आगे का क्या नजरिया रहेगा, क्या इनकी रणनीति रहेगी ये देखना अहम होगा। क्या ये दूसरी बड़ी पार्टियों के पास जाएंगे या फिर अकेले इंडिविजुअल चुनाव लड़ेंगे ये भी देखना अहम है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल है वो काफी गर्म है और उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्हें अब कोई चिमटे से भी छूना नहीं चाहता है, जिसमें AIM का नाम भी शामिल है। क्योंकि एक समय पर कहा जा रहा था कि AIM उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर राजनीतिक पार्टियों को नुकसान पहुंचा सकती है 2022 के चुनाव को देखा जाए तो, लेकिन अभी का जो मौजूदा हालात है, अभी की जो मौजूदा स्थिति है उससे साफ साबित होता है कि AIM को अब कोई भी राजनीतिक दल पूछ नहीं रहा है और इसी वजह से AIM ये सोच रही कि अब हमारी आगे की क्या रणनीति है। तो ये सब उत्तर प्रदेश में चल रहा है। फिलहाल आज आजमगढ़ में जब अखिलेश यादव पहुंचे तो उन्होंने बच्चों को लैपटॉप दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब सत्ता में थी तब भी हमने लैपटॉप दिया था, अब नहीं है तब भी हम मेधावियों को लैपटॉप दे रहे हैं, 22 में हम फिर आएंगे अगर आते हैं तो।
तो फिर लैपटॉप देंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लैपटॉप को खोल के देखे तो उन्हें पता चलेगा कि 22 में कौन आ रहा है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि लैपटॉप जब खुलता है समाजवादी पार्टी का, जो वो बच्चों को देते हैं, तो उसमें अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की फोटो नजर आती है, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था पहले। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से कि अगर सरकार जानना चाहती है तो लैपटॉप को ऑन करके देख ले। कई और बातें उन्होंने कही कि महंगाई बढ़ गई है, कई और बातें उन्होंने कही कि बेरोजगारी बढ़ गई है। उन्होंने ये कहा कि शिक्षा पर सरकार का कोई फोकस नहीं रहा है, स्वास्थ्य पर सरकार का कोई फोकस नहीं रहा है, और ये बयान देते हुए आजमगढ़ में उन्होंने जनता को संबोधित किया। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, जहां पर उन्होंने जनता को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और एक बार फिर से प्रयास किया कि जो पिछड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, जो बीजेपी के पाले में 2017 में बड़े पैमाने पर गिरा था, लेकिन वो कहीं ना कहीं खुद को इस बार नाराज देख रहा है। वो पिछड़ा वोट बैंक एक बार फिर से बीजेपी के पाले में आ जाए और उसको आने के लिए जितनी कोर कसर है बीजेपी की तरफ से वो करी जा रही है। ये बैठकें, ये सम्मेलन उसी का ही एक उदाहरण है जो कि आज भी राजधानी लखनऊ में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीती सरकारें विकास पर ध्यान नहीं देती थी, जात पर उनका सिर्फ, जात को लेकर उन्होंने ये कहा कि जात पर सिर्फ उनका इसलिए फोकस था क्योंकि उन्हें उस जात का, उन्हें उस वर्ग का वोट लेना था, लेकिन हमारी सरकारों ने उस वर्ग का भी कल्याण किया है। हमारी सरकार लगातार विकास पर काम कर रही है, माफियाओं पर अंकुश हुआ है, बुलडोजर से मकान गिराए गए, इस तरह के जो बयान हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मंचों से लगातार दिए जा रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन की बात हो या फिर मौजूदा सत्ता दल की। ये बयानबाजी का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये चुनाव बहुत अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस वक्त काबिज है और कहा जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर से 325 सीट जीतना या उससे ज्यादा जीतने का दावा कर रही है। और दूसरी चीज अहम यह है कि उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा राजनीतिक पार्टियां हैं, जो कि स्टेट की पार्टीज रही हैं, जिन्होंने बीजेपी से पहले उत्तर प्रदेश में अपनी सरकारें चलाई हैं, उनके लिए ये करो या मरो की लड़ाई है। समाजवादी पार्टी को ये पता है कि अगर वो इस चुनाव में कुछ नहीं कर पाई तो शायद आने वाले उनका जो राजनीतिक जो समीकरण होगा या फिर राजनीति का जो उनका फ्यूचर होगा वो बहुत बेहतर नहीं होने वाला है। बसपा के लिए कई लोगों ने भविष्यवाणी भी कर दी है कि अगर बसपा इस चुनाव में कुछ नहीं कर पाती है तो आगे का राजनीतिक सफर मायावती का खत्म भी हो सकता है। तो इस तरह के जो स्टेट की पार्टीज को लेकर जो बयानबाजियां हैं और स्टेट की पार्टीज को लेकर जो अनुमान लगाए गए हैं, वो अनुमान कितने सही साबित होंगे ये 22 के चुनाव में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अभी क्या तैयारियां हैं राजनीतिक दलों की, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किस तरह से वोट मांगने जाएंगे, कौन कौन से वो मुद्दे हैं, जनता की बात होगी या नहीं होगी, विकास के मुद्दे पर चर्चा होगी या नहीं होगी, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर माहौल क्या है। इस डिबेट को हम शुरू करेंगे, लेकिन आज के दो प्रमुख बड़े बयान सुनिए जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए, जहां पर दोनों एक दूसरे पर हमलावर हुए। और उस बयान को सुनने के बाद हम मेहमानों को जोड़ेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और फिर जानेंगे कि आखिर माहौल क्या है। 4.5 साल पूरे हो गए हैं और इनका कार्यकाल खत्म होने जा रहा है। 24 करोड़ की जनता जो उत्तर प्रदेश की है वो ढूंढ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में जो लिखा था कि हम लैपटॉप देंगे बच्चों को, वो अभी ढूंढने से नहीं मिल रहा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लोग कब देंगे। आज जब अखबार उठा करके देखा है, तो सुना है कि वो टैबलेट देने जा रहे हैं। आज जब अखबार देखा तो उसमें टैबलेट आ रही है कोई। हम उनसे जानना चाहते हैं, कि 4.5 साल बताओ इन बच्चों को कौन सी टैबलेट देते रहे आप। पुराने तरीके से पढ़ रही है, वही जो नई तरीके से पढ़ाई हो सकती है और जिस तरीके से एक सीमा थी कि इसके आगे हम जानकारी हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो नई पीढ़ी हमें दिखाई दे रही है वो पीढ़ी ऐसी है जो केवल भारत की जानकारी नहीं रखती है बल्कि दुनिया की भी अगर वो जानकारी हासिल करना चाहेगी तो उसके पास आज माध्यम है जिसकी वजह से वो दुनिया की जानकारी की हासिल कर लेते हैं। इसलिए नई पीढ़ी के लिए नई चीज। समाज में आप काम कर रहे हैं, इस राष्ट्र के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी तो है,
और उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी उस जवाबदेही के प्रति हम सब समाज के प्रत्येक तबके को जागरूक भी करें और बताएं भी कि क्यों आज की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज देश की प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी है। आपके सामने 2014 के पहले देश की तस्वीर भी होगी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम सब जानते हैं 2014 के पहले देश के अंदर एक असंतोष का वातावरण था, अविश्वास का वातावरण था। रोज एक नया घोटाला लेकर के कांग्रेस नेतृत्व की सरकार देश के अंदर आती थी। दुनिया के अंदर भारत की छवि अत्यंत धूमिल हुई थी। भारत के नौजवानों के सामने पहचान का एक संकट खड़ा हुआ था और सुरक्षा का एक वातावरण था। कैसे उस समय चीन या पाकिस्तान या दुनिया की कोई भी ताकत भारत को जब भी देखता था और भारत के अंदर वह अतिक्रमण करता था तो सभी लोग मौन बने रहते थे। आपने देखा होगा कोरोना के मामले दुनिया के अंदर तेजी के साथ बढ़े हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ने मजबूती के साथ उसको नियंत्रित भी किया है। पर्व और त्योहार, अभी हाल ही में अपने दुर्गा पूजा के आयोजन को संपन्न किया है, विजयादशमी के कार्यक्रम को भव्यता के साथ संपन्न किया है, कोई बंदिश नहीं, सावधानी और सतर्कता के लिए सरकार कह रही है, लेकिन बाकी कोई बंदिश नहीं। अनुमान करिए अगर ये स्थिति सपा बसपा या कांग्रेस की सरकार के समय होता क्या होता, अराजकता फैलती, महाराष्ट्र की तरह लंबी श्रृंखला मरने वालों की होती, अव्यवस्था फैल जाती, अराजकता का वातावरण होता और इस वातावरण में सरकारें किस रूप में मौन रहती थी। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में या तो केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार कार्य कर रही थी, राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी और कुछ सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता कार्य कर रहे थे। शेष की स्थिति क्या थी, कहां कांग्रेस थी, कहां सपा थी, कहां बसपा थी, ये सभी आइसोलेशन में थे। पूछना चाहता हूं अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम की भव्य मंदिर के निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, क्या ये कार्य कांग्रेस कर पाती, क्या ये कार्य समाजवादी पार्टी, क्या ये कार्य बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? यानी आप देख सकते हैं आपकी आस्था को सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था सो करके दिखाया। तो आपने बयान सुने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव के। फिलहाल हम इस डिबेट को शुरू करेंगे। बहुत ही दिलचस्प मुद्दा है आज का कि आखिर उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है, क्योंकि चुनावी रंग जो है उत्तर प्रदेश में चढ़ा है। दिवाली करीब तो है, लेकिन इस वक्त सबके सब पहले से ही इस हाई वोल्टेज किस्से को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस किस्से के तहत हमारी सरकार तय हो जाएगी, इस किस्से को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आखिर वो मुद्दे क्या हैं और हम विचार उस पर कर रहे हैं कि हमें वोट कहां देना है। फिलहाल मेहमानों को जोड़ेंगे। केसी जैन साहब हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ प्रदीप चौधरी हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अजय चंद चौबे जी हैं, कांग्रेस से, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जी इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में। सबसे पहले मैं प्रदीप चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। आज अखिलेश जी आजमगढ़ गए हुए थे, वहां पर उन्होंने लैपटॉप दिया, लेकिन उन्होंने ये बात क्यों कह दी कि मौजूदा सरकार बच्चों को लैपटॉप नहीं दे रही है, ना देना चाहती है, पता चला है कि टैबलेट देना चाहती है, तो ये सब बातें आप लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बीते दिनों देखा कि कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा के लिए अभ्युदय कोचिंग जैसे अभियान जो है वो सरकार की तरफ से चलाए गए हैं। इसके अलावा कई सारे स्किल जो उनकी स्किल्स हैं उनको भी बेहतर करने के लिए भी कोशिशें सरकार की तरफ से करी गई हैं। तो आप लोग भ्रमित क्यों कर रहे हैं जैन साहब की पार्टी को? नितिन जी, भ्रमित ये खुद हैं, हम लोग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी सरकार में माननीय अखिलेश यादव जी इतनी दूरदर्शी सोच के मुख्यमंत्री रहे कि उन्होंने पूरे प्रदेश में 18 लाख लैपटॉप बांटने का काम किया, और इस कोरोना काल में या नौकरी भर्ती देखने में ऑनलाइन क्लास में वो लैपटॉप जो है मील का पत्थर साबित हुए।
जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार में जब आनी थी और इन्होंने घोषणा पत्र अपना जारी किया था, स्मार्टफोन और 2GB डाटा देने का जो वायदा किया था, 4.5 साल बीत जाने के बाद ना डाटा मिला, ना आटा मिला, ना कहीं स्मार्टफोन मिला। आज वो टैबलेट जब तुम चुनाव में जनता के बीच में जा रहे हैं, 4.5 साल तो तुम्हें टैबलेट या लैपटॉप देने की बात याद नहीं आई। आज जब तुम चुनाव में अधिसूचना जारी होने जा रही है, आज तुम जनता को भ्रमित करने के लिए आज आप कह रहे हो हम टैबलेट देंगे। 4.5 साल आपने बच्चों को टैबलेट क्यों नहीं दिया भाई? क्यों नहीं 4.5 साल सरकार में बच्चों को लैपटॉप दे पाए? क्यों नहीं कन्या को साइकिल दे पाए? ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है ये केवल अखबारों में, खबरों में, न्यूज में, चैनल्स में बनी रहती है, जमीन पे इनका कोई काम नहीं है। अच्छा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदीप भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ये भी कह रहे थे कि जनता जानती है और जनता आकलन करेगी, क्योंकि उन्होंने सपा बसपा कांग्रेस सबकी सरकार देखी है और जनता जानती है कि उनकी जरूरत है, उनकी मांग सुन लीजिए, उनकी जरूरत और उनकी मांग खाली एक पार्टी पूरी कर सकती है और वो है मौजूदा सत्ता दल। ये बात उन्होंने क्यों कही? आप बिल्कुल नितिन जी, योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जनता ने भाजपा को देख लिया है, नदियों में तैरती हुई लाशें देखी हैं, ऑक्सीजन के लिए लोग मरते हुए लोग देखे हैं, टेम्पू में ले जाते हैं, रिक्शे पे ले जाते हो, मरीजों को देखा है जनता ने। इस भारतीय जनता पार्टी में लेबर को मरने के लिए पैदल पलायन के लिए छोड़ दिया, वो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में पहली बार हुआ है, ऑक्सीजन से लोग मरे। अच्छा वो सब छोड़िए, ये बताइए त्योहारों के दौरान आप लोग वसूली भी करते थे क्या? मुख्यमंत्री जी ने कहा है आज, अब ये तो ये क्या क्या कहा है उन्होंने, मैंने जरा जानकारी भी नहीं है मेरे। मुख्यमंत्री जी ने आज कहा है कि त्योहारों के दौरान आपकी सरकार, आप लोग वसूली करने में लग जाते थे। अब ये तो देखो, एक संत को, एक साधु को मैं उम्मीद नहीं करता था योगी आदित्यनाथ जी इतनी झूठ बोलेंगे। आप नितिन जी बताइए, कोई सरकारें वसूली करती हैं क्या? सरकारों का काम है जनहित के कार्य करना, विकास करना, स्वास्थ्य देना, बिजली देना, चिकित्सा देना, शिक्षा देना, क्या सरकार वसूली करती है? ये काम जो करता है उसी को याद रहता है। भारतीय जनता पार्टी वास्तव में वसूली गैंग चला रही है। थानों में, तहसीलों में देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे दलाली कर रहे हैं। ये लोग भ्रमित कर रहे हैं चुनावी वर्ष में। और आपको एक बता दूं नितिन जी, अब पूर्वांचल से, पश्चिम से जो हवा चली है वो पूर्वांचल पहुंच गई है। और कल की जो लाल टोपी और पीले गमछे की जो सभा हुई है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा था, उस लाल और पीले रंग को देख करके उत्तर प्रदेश से लेके और दिल्ली तक सबके चेहरे लाल पीले हो गए और इतने लाल पीले हो गए अब इनको नींद नहीं आ रही है। नहीं तो जैन साहब को, जैन आपको क्या लगता है जैन साहब डिबेट में मौजूद है, उनको भी बुरा लगा है क्या कल आप लोग की जो रैली वैली हो गई है? अरे भाई भारतीय जनता पार्टी के जो ये लोग जैन साहब सुन रहे होंगे मेरी बात को, जिस तरीके से जनाधार खिसक रहा है, जिस तरीके से लोगों में, आप एक बात देखिए नितिन जी, किसी भी दल का कोई भी व्यक्ति किसी दल को छोड़ के केवल एक ही चॉइस है, अखिलेश यादव। कोई भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता है क्योंकि डूबते हुए जहाज में कोई सवारी नहीं करना चाहता है। अच्छा। सबको उम्मीद और आशा भरी नजरों से अखिलेश यादव जी को देख रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो भी दल छोड़ रहा है सीधा अखिलेश जी की तरफ जा रहा है क्योंकि सबको उम्मीद है। जो उन्होंने 5 वर्ष में करके दिखाया वो किसी ने 50 साल में नहीं किया। ठीक है जैन साहब, बुरा लग रहा है कल जो हुआ और उसके बाद आज अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से ये कहा कि सरकार कैसी है, सरकार कैसे काम कर रही है जनता समझ गई है और जनता अब साफ करने में लगी हुई है बीजेपी को उत्तर प्रदेश से। पहली चीज तो यही कि कल जब लाल और पीला मिल गए तो आप लोगों का रंग भी कुछ उड़ गया है सुनने में आ रहा है। प्रदीप चौधरी भी यही कह रहे हैं कि आप लोग समस्याओं में हैं, सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। प्रदीप जी की मजबूरी है और कोई भी प्रवक्ता अपनी पार्टी का गुणगान ही करेगा। वो क्यों ना, जैसा कि उन्होंने कहा कि डूबता हुआ जहाज है, डूबता हुआ जहाज कौन है? और जो परिवार की 5 सीटें जीत जाते थे आज परिवार की 5 सीटें भी नहीं जीत पा रहे हैं, तो ये तो जनता ने देखा। और जो उतरा हुआ अभी इसके पहले उसको लिटमस टेस्ट कह रहे थे और उसने तो एक भी सीट नहीं जीत पाया 8 सीटों में से। तो देखिए जनता ने जो है कार्यकाल समाजवादी पार्टी का ही 5 साल का देखा है और अलग अलग हमारे ही 5 साल पूरे हो रहे हैं, हमारा भी कार्यकाल जनता ने देखा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी इसके पहले उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हुआ करते थे, आज कितने हवाई अड्डे हैं, विकास किस तरफ बढ़ रहा है। और पूर्वांचल की अभी इन्होंने बात कही कि पश्चिम से चल के पूर्वांचल तक हवा चल रही है। पूर्वांचल की सिर्फ एक पहचान थी, वो था कि बच्चों का दिमागी बुखार,
और उसको लेकर के प्रतिवर्ष जिस प्रकार से बच्चे मरते थे, एक माँ का एक बच्चा मरता उसके परिवार पे क्या बीतती है, उसके परिवार से पूछिए। और हजारों हजार बच्चे प्रतिवर्ष जिस प्रकार से मर रहे थे, लेकिन जो चिकित्सा व्यवस्था थी उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था। आज चिकित्सा व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया गया है, आज उस तरीके की घटनाएं नहीं हो रही। दूसरी बात ये कि 50 लाख से ज्यादा लोगों को हमने आवाज दिए उत्तर प्रदेश में। यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पे महिलाएं सड़कों पे बाहर रोड के किनारे वो शौच के लिए जाती थी, और हम लोग जब रास्ते में निकलते थे गाड़ी की लाइट जल जाती थी, तो गाड़ी की लाइट बंद करनी पड़ती थी अगर सुबह हम लोग सफर करते थे। अच्छा। तो इस तरीके के दृश्य जो देखने को मिलते थे अब वो दृश्य देखने को नहीं मिल रहे, क्योंकि हर गाँव हर शहर में हर एक व्यक्ति को सुलभ शौचालय जो है उसकी व्यवस्था दी गई है, और साथ ही साथ आवास दिया गया है 50 लाख लोगों को। लैपटॉप क्यों नहीं दिया लोगों को आवास दिया गया? देखिए लैपटॉप की जो बात हो रही है मैं उसका भी जवाब दे रहा हूँ। देखिए अखिलेश जी ने लैपटॉप शुरुआत में 1 साल दे दिया और उसके बाद छुट्टी कर ली। हमने जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं थी उनकी तरफ पहले ध्यान दिया। बांट देना, लैपटॉप बांट देना या अकाउंट में 2-4-5 हजार रुपए डाल देना, ये हमें लगता है किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अच्छा। अगर समस्या का समाधान होता तो कांग्रेस ने कई बार कर्ज माफी किसानों की लेकिन किसानों की मूल आय बढ़ाने की तरफ कांग्रेस ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसका परिणाम यह रहा कि आज 10 की 10 स्थिति किसानों की है। आज किसानों की आय बढ़ाने के लिए वो चाहे नए तरीके की खेती के संसाधन हो, बीज पे छूट हो उनको, खाद में उनको छूट हो, सिंचाई पे उनको छूट हो, और साथ ही साथ समय पे उनकी खरीदारी हो। आप देखिए गेहूं की खरीदारी पिछले कई वर्षों से 2 गुना खरीदारी जो है वो 19 और 20 में, 20 और 21 में 2 गुना खरीदारी की गई जो अब तक खरीदारी होती थी उससे। तो कुल मिला करके जो किसानों की मूलभूत समस्याएं है उनकी तरफ अगर हम ध्यान नहीं देंगे, इस तरीके से जनता की जो मूलभूत समस्याएं है उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, सवाल लीजिए स्वास्थ्य की तरफ आवास की तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। आवास कितने में बनता है? 5-5 लाख रुपए हम लोग दे रहे हैं आवास के लिए, 3 लाख रुपए की अलग योजना है, 5 लाख रुपए की अलग योजना है। ठीक है जैन साहब, एक सवाल लीजिए जैन साहब, जैन साहब जो दे रहे हैं लैपटॉप हम भी बांटने जा रहे हैं। सुन तो लीजिए जैन साहब, एक सवाल लीजिए। प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ फिर पहुंची हैं और उन्होंने सबेरे एक ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश का किसान बदहाल है, परेशान है। किसान पहले अपनी फसल लगकर उगाता है, उसके बाद जब उसे मंडियों में बेचने जाता है तो बेच नहीं पा रहा, और बुंदेलखंड में 2 किसानों की मौत के मुद्दे को उन्होंने ट्वीट किया है। तो आप कह रहे हैं कि किसान खुशहाल है, ऊपर से प्रियंका गांधी कह रही है कि खुशहाल नहीं है, ट्वीट कर रही है और कह रही किसान आत्महत्या कर रहा, सरकार चुपचाप बैठी है। देखिए मैं आपको बताऊं नितिन जी, और ये सरकारी डाटा है कि 12,000 किसान इस वर्ष आत्महत्या करता रहा पिछले 50 सालों से। तो आप उस डाटा को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए। दरअसल जो कांग्रेस की सरकार थी ये सीधे सीधे किसानों की गरीबी को नहीं खत्म किया, सीधे सीधे गरीबों को खत्म कर दिया। किसने? आवाज नहीं आ रही चौबे जी आपकी, सॉरी जैन साहब, जब आवाज नहीं आ रही आपकी, जैन साहब की आवाज नहीं मिल रही हमें, बिल्कुल बंद होने जा रही है भाई। 2022 में आवाज ही नहीं निकलेगी। देखिए देखिए आपकी आवाज हमें पूर्ण रूप से मिले, हमारी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए 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 जैन साहब, मिल रही हमारी? हाँ मिल रही, बोलिए। हेलो, हाँ जैन साहब बोलिए, आवाज आ रही है आपकी, बताइए क्या कह रहे थे? आवाज मिल रही थी जी हमारी? जी मिल रही सर, बोलिए, आवाज आ रही है। कुछ टेक्निकल एरर है, इस वजह से जैन साहब को मेरी आवाज नहीं मिल रही है। मैं चौबे जी के पास चलूंगा। चौबे जी, आप लोग क्यों ऐसे ट्वीट करते हैं, क्यों ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं? सरकार कह रही है कि सब ठीक है, किसान खुशहाल है, जितनी हमने खरीदारी कर ली, जितना हमने कर्ज माफ कर लिया, किसान खुशहाल है, और आप लोग लगातार किसानों के मुद्दे पर ट्वीट कर रहे हैं, भड़का रहे हैं किसानों को, सरकार को परेशान कर रहे हैं। आंकड़ा बताया अभी जैन साहब ने कि कितने किसान आत्महत्या करते हैं, तो एक दो हो गया तो ठीक है, अब आप लोग ट्वीट करके सरकार को परेशान क्यों कर रहे हैं भाई? देखिए कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के किसानों के लिए ट्वीट नहीं कर रही है। अच्छा। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के किसानों के लिए ट्वीट कर रही है, हिंदुस्तान के किसानों की बात करती है, उनके दुख दर्द में उनके आंसू पोंछने जाती है, और भी जगह जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन किसानों का कर्ज माफ किया, भारतीय जनता पार्टी ने अपने चंद उद्योगपतियों का 8,00,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। कांग्रेस पार्टी ने अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में 3 करोड़ किसानों का 72,000 करोड़ कर्ज माफ किया। भारतीय जनता पार्टी अपने उन
किसानों की बात कर रही है, दो किसानों की, जो इनके लिए 2000 करोड़ का चंदा देते हैं। अच्छा। इनका संघ कार्यालय जो है 5-स्टार होटल की तरह बन जाता है, मतलब, और किसान यहाँ बदहाल है। पूरे हिंदुस्तान में भूखमरी जो है आज पाकिस्तान, भूटान और बांग्लादेश से भी अधिक हो गई है। कुपोषण के मामले में आज हिंदुस्तान की स्थिति यह है कि पिछले 5 साल में 69 लाख बच्चे 1 से 5 साल के प्रत्येक वर्ष कुपोषण से एक्सपायर कर जा रहे हैं। आज ये इस पे बात नहीं करते। बेरोजगारी में आज हिंदुस्तान 70 साल के इतिहास में सर्वाधिक बेरोजगारी दर 7.2%। भूखमरी के मामले में आज हिंदुस्तान 116 देशों में 101वें नंबर पे, मतलब 70 सालों में हिंदुस्तान में सर्वाधिक आज भूखमरी है। आज बेरोजगारी के मामले में हिंदुस्तान 70 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मॉब लिंचिंग के मामले में हिंदुस्तान में पिछले 7 सालों में सर्वाधिक मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई हैं। आज उत्तर प्रदेश में पिछले अब तक के 70 साल के इतिहास में सर्वाधिक हिंदू संतों की हत्याएं हुई हैं। आज 70 साल के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं। आज उत्तर प्रदेश में 3,71,000 महिलाओं के साथ घटनाएं, उनके उत्पीड़न की घट चुकी हैं। तो ये खाली उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड लाए हैं क्या? सर्वाधिक घटनाएं हुई हैं। अरे सुन तो लीजिए, खाली उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड लाए हैं क्या? जहां कांग्रेस की सरकार है कि वहां का भी लाए हैं क्या? कुछ कांग्रेस के सरकार में ऐसी कहीं कोई घटनाक्रम है ही नहीं। ये बीजेपी लेकर कहते हैं कि वहां पंजाब में किसी को, इनके प्रधानमंत्री जी सदन के पटल पे कह दें, ये झूठ बोलते हैं। इनके प्रधानमंत्री जी क्या ये संसद भवन में कह पाएंगे आज कितने किसान आत्महत्या किए? लेकिन कांग्रेस पार्टी गर्व के साथ संसद भवन में कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2 किसानों के लिए जो 3 काले कानून लाए, आज उसके वजह से 600 किसानों की मौत नहीं हो चुकी है। इनके प्रधानमंत्री थोड़ी ना है भाई। अरे इनके प्रधानमंत्री, वो तो देश के प्रधानमंत्री। आप इनके मानते नहीं इनके प्रधानमंत्री के, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। कौन नहीं मानता? वो देश के नौजवानों की पकड़ने की सलाह देते हैं। अगर इनके प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री होते तो वो पूरे 5 साल चुनावी मोड में नहीं रहते। आपके हैं कि नहीं? हिंदुस्तान नहीं, आपके हैं कि नहीं? आप नहीं मानते कि नहीं प्रधानमंत्री? आर्थिक मामले में 70 साल के इतिहास में पहली बार इतना कंगाल नहीं होता। आज भूखमरी के मामले में हिंदुस्तान पाकिस्तान से पीछे नहीं होता। आज बेरोजगारी के मामले में हिंदुस्तान पूरे विश्व में आज 70 साल के इतिहास में 7.2%। अच्छा, एक सवाल लीजिए, सर्वाधिक। चलिए चौबे जी हम लोग चुनावी मुद्दे पर बात कर रहे हैं, तो एक सवाल आप मेरे लीजिए, ये सुनिए, ये बताइए मुझे, कल एक मऊ में एक रैली हुई थी, आपके पुराने साथी जिनसे आपकी मुलाकातें भी हुई, ओम प्रकाश राजभर की, सुनने में आ रहा था कि शायद कांग्रेस से भी कुछ उनका गठजोड़ चल रहा था, लेकिन बात नहीं बनी, अब वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं। तो ये क्या कुछ इफेक्ट डालेगा इन लोगों का मिलना आप लोगों के ऊपर या बीजेपी के ऊपर? देखिए, कांग्रेस पार्टी का इन घपले घोटालेबाज लोगों के, मौका परस्त लोगों के आपस में मिलने जुलने से कौन कांग्रेस पार्टी पे कोई असर नहीं। कौन घपलेबाज? किसकी? दो पार्टियां, दोनों में से नाम बताइए। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री रहे हैं। दो पार्टियां थी, दोनों में से नाम तो बताइए। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जो समाजवादी के साथ गए। अच्छा। उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी अपने भी गले लगाने के लिए दौड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी घपले घोटालेबाज लोगों को गले लगा के अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के, अरे आप तो पानी पीने के समाजवादी पार्टी को गाली दे रहे हैं और लोगों समाजवादी की आवाज है, और गठबंधन करना होता है समाजवादी पार्टी से उठाकर यही समाजवादी पार्टी पवित्र पार्टी हो जाती है। देखिए, आपके लिए पवित्र हो गई थी महबूबा मुफ्ती जी, जिनको आप पाकिस्तानी कह रहे थे, गठबंधन की बिरयानी खा रहे थे, और आपके प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान बिरयानी खाने गए तो पठानकोट में हमला हो गया, पुलवामा में हमला हो गया। आपके प्रधानमंत्री जी
26 मार्च 2021 को ठाका गए थे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं का आज कत्लेआम हो रहा है, वहां भी हिंदू असुरक्षित हो गया। अरे आप साजिश करते हैं, आप हिंदुस्तान और हिंदुओं की हत्याओं पर राजनीति करते हैं, आप किसानों के कत्लेआम पर राजनीति करते हैं, आप किसानों पे मंदसौर में गोलियां चलाते हैं, आप लखीमपुर खीरी में किसानों। भाई ठीक है चौबे जी, हो गया प्लीज प्लीज चौबे जी, महिलाओं के साथ हो गया हो गया हो गया, राजनीतिक मंच नहीं है ये, कोई राजनीतिक मंच नहीं है चौबे जी, प्लीज चौबे जी हो गया हो गया, ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक मंच नहीं है, मैं यहाँ विधानसभा में नहीं बैठा हूँ, मुझे ऐसा ना लगे प्लीज। अभी तक तो महिलाएं और बेटियां सुरक्षित थी, अब तो लड़के और बेटे। अरे सुनिए चौबे जी सुनिए तो, सामने वाला क्या क्या रहा है, अरे आपके बाकी साथी क्या क्या रहे हैं ये तो सुनिए। देखिए चैन साहब भी कुछ कह रहे हैं और प्रदीप भाई भी कुछ कह रहे हैं, तो पहले इन दोनों की बात सुन लीजिए फिर रिएक्ट करिए। थोड़ा धीरे बोलिए, गले को संभाल के रखिए, अभी चुनाव में काफी समय है। जो मौका परस्त पार्टी और ये अभी जब विधानसभा के चुनाव हुए, इन्होंने अखिलेश यादव जी के साथ में गठबंधन किया जी, और उसके बाद समाप्त होने के बाद अब जब चुनाव तो प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी एक जो है एक पुस्तिका निकालते हैं और उस पुस्तिका में चुन चुन करके गालियां देते हैं समाजवादी पार्टी को, उसको भ्रष्टाचारियों की पार्टी बताते हैं। अच्छा ये तो जैन साहब सोच के समाजवादी पार्टी साथ गठबंधन किया। जैन साहब सुनिए, सपा और ओपी राजभर के गठबंधन को ये कह रहे हैं कि घोटालेबाजों की पार्टी है, ये ऐसी पार्टियां हैं जो सही है, क्या आप सहमत है इस बात से? देखिए मुख्य बात ये है कि कांग्रेस हमेशा से भ्रमित रही है और कौन घोटालेबाज है कौन नहीं घोटालेबाज है इनको ये तो गठबंधन करने से पहले सोचना चाहिए। पहले ये गठबंधन करते हैं, गलभैया करते हैं, दो लड़के आते हैं यूपी में एक साथ घूमते हैं, फिर ये उन्हें एक दूसरे को कोसना शुरू करते हैं। दरअसल दोनों ही पार्टियां चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो और जनता के मन से दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार की वजह से मूल रूप से इनके मन से पूर्ण रूप से उतर गई और समाजवादी पार्टी जब भी आती है तो आम जनता का जीना दुखा हो जाता है। पहले नहीं सोचना चाहिए था राज हो जाता है। अब आप देखिए आपको कैप्टन साहब को पाकिस्तानी और आतंकवादी कहने से पहले नहीं सोचना चाहिए था। जो एक एक लाख के दो दो लाख के दुर्दांत अपराधी जो मारे गए हैं, जो 100 से ज्यादा लोग इनकाउंटर में जो दुर्दांत अपराधी मारे गए हैं, समाजवादी पार्टी कहती है कि हम आएंगे जांच कराएंगे, तो इससे क्या होगा? अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा गिरेगा? ठीक है, पुलिस का मनोबल गिरेगा कि बढ़ेगा? ठीक है जैन साहब, समाजवादी पार्टी हमेशा गुंडों को माफियाओं का संरक्षण देती रही और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त रही, इसलिए जनता ने दोनों को अस्वीकार कर दिया है। हमने 50 लाख आवाज देखा है, 36,000 सैनिकों के ताबूत और कफन घोटाला करते हुए भी आपको देखा है और कोरोना में फिर कफन और ऑक्सीजन घोटाला। ठीक है हो गया प्लीज हो गया जैन साहब, हो गया मैं आऊंगा नेक्स्ट राउंड में, आ रहा हूँ जैन साहब मैं आ रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। ठीक है भाई हो गया प्लीज जैन साहब और चौबे जी, अरे भाई हो गया जैन साहब और चौबे जी मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट राउंड में, आप लोग के पास आऊंगा नेक्स्ट राउंड में, मैं आप लोग के पास आता हूँ। समाजवादी पार्टी के साथी जो प्रश्न लगा रहे थे कि कोरोना काल में क्या हुआ, अरे ये तो वैक्सीन तुम्हें भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बता रहे थे, उसका भी इन्होंने विरोध किया। ठीक है भाई हो गया प्लीज अब मुझे बोलने दीजिए जैन साहब, उसमें तो साथ में आना चाहिए। ठीक है जैन साहब हो गया प्लीज जैन साहब, अरे भाई हो गया सुनो तो मेरी बात तो सुनो, आप लोग मेरी बात तो सुनो, कम से कम मेरी बात तो सुनो, हो गया प्लीज हो गया। प्रदीप भाई कोई बात है आपके पास कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद हम गौरव जी के पास चलेंगे। ऐसा है नितिन जी, हाँ अभी जैन साहब कह रहे थे कि कोरोना वैक्सीन को भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बताया, मैं नितिन जी से कहना चाहता हूँ जिस तरीके से वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री फोटो लगा रहे हैं वैज्ञानिकों की वैक्सीन पे, क्या कोरोना से जो लोग मरे उनके मृत्यु प्रमाण पत्र पे भी मोदी जी फोटो लगाएंगे अपना? तो मुझे क्यों घसीट रहे हैं बीच? अच्छा मैं थोड़ी ना निकालने जाऊंगा। अरे वो जैन साहब से बताइए जो कोरोना में जिनकी मृत्यु हुई है क्या उनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी अपना फोटो लगाएंगे मोदी जी? पूछ लीजिए मोदी जी को प्रचार करना है, अपना फोटो पॉपुलरिटी करनी है। और आपको बता दूं नितिन जी पार्टी गर्त में गई,
तरीके से माहौल प्रदेश का बदल रहा है। हम इस महामारी में जो एक ही समाजवादी पार्टी के दरवाजे पे है, लेकिन इनके ना तो कोई कार्यकर्ता, इससे ज्यादा एमएलए लगातार लाइन लगाए हुए का युवा मोर्चा का, जैन साहब आ रहा हूँ प्लीज, जैन साहब ऑडियो क्रॉस होगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास, पे दिखाई दिया, जैन साहब मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ, ऑडियो क्रॉस होगा तो आवाज नहीं आएगी। हाँ बताइए प्रदीप भाई। लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक मंत्री आज अखिलेश यादव जी के टच में हैं। अच्छा कितने विधायक हैं आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की हैसियत नहीं है गांव में घुस जाएं। नहीं नहीं कितने विधायक हैं आपके टच में है बीजेपी के? ज्यादा एमएलए है भारतीय जनता पार्टी के जो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। अच्छा इनके पास इनके खुद के एमएलए नहीं है, खुद के एमएलए हार जाएंगे तो सरकार क्यों नहीं गिरवा दी भाई इसमें? इनके खुद के जो है ये मान चुके हैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी के। जैन साहब पहले सुनना सीखिए, आप जब बोलते हैं मैं बोलता नहीं हूँ, जैन साहब सुनना सीखिए। मेरे आप भारतीय जनता पार्टी के भरोसे नितिन जी में मात्र 47 एमएलए थे। नितिन जी जी सर क्या था आज तो राहुल गांधी जी चलिए ठीक है प्लीज मैं आप सबके पास आ रहा हूँ, मैं आप सबके पास फिर से आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं ठीक है चौबे जी प्लीज मैं आ रहा हूँ आप सबके पास। इनके मंत्री पीटे जा रहे हैं आज, इनका कोई मंत्री विधायक सांसद अपने क्षेत्र में जिन लोगों ने गांव गोद लिया जो जमीन पर नहीं उतरे। ठीक है हो गया प्लीज, अब मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, अभी मैं नेक्स्ट राउंड में आ रहा हूँ। प्रदीप भाई मैं नेक्स्ट राउंड में आ रहा हूँ, हम गौरव श्रीवास्तव जी के पास चलेंगे, लगातार ये ग्राउंड रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं और देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल उत्तर प्रदेश में क्या है, कैसा है, किसकी ताकत ज्यादा दिख रही है इस वक्त उत्तर प्रदेश में और जनता के बीच जब ये जा रहे हैं तो ये जान। प्रदीप भाई मैं आ रहा हूँ। हाँ गौरव भाई मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अभी का जो माहौल है उस माहौल को देखते हुए आपको क्या लग रहा है, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसीलिए तीनों राजनीतिक दलों की पार्टी जो नेतृत्व कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं जो मेहमान उनकी बातें आपको सुनवा दी, आपने कई मुद्दों पर बातें सुनी कि कोविड को लेकर भी बातचीत हुई, किसान को लेकर भी बातचीत हुई, रोजगार, लैपटॉप, ये सारी चीजें जो हैं वो अभी इस डिबेट के अंदर हुई हैं, इन मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको क्या लगता है कि ज्यादा इफेक्टिव क्या होगा, ये जो सम्मेलन उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं ये ज्यादा इफेक्टिव होंगे बीजेपी की तरफ से जो करे जा रहे हैं जातिगत सम्मेलन, ये जो लैपटॉप की बात हो रही है, ये जो बिजली महंगाई इनकी बात हो रही है, या फिर कुछ और है जो अभी आना बाकी है उत्तर प्रदेश में? देखिए नितिन जी मैं आपको ये बात साफ बताऊं कि उत्तर प्रदेश का ये 2022 का चुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। होने वाला इसलिए है क्योंकि अब तक जो पार्टियां धर्रे पर थी, मैं धर्रे पर इसलिए बोलूंगा क्योंकि अब तक वहां पर कोई उत्साह है, कोई सक्रियता नहीं दिखाई दे रही थी, पर वो पार्टी एकदम से जीवन टूट रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो तो सत्ता में है, लगातार प्रयास करती है, समाजवादी पार्टी मुख्यपक्ष में है, लगातार प्रयास करती है, पर यहाँ पर मैं दो पार्टियों की बात करूंगा, पहले एक है बसपा और दूसरी है कांग्रेस। बसपा की बात करें तो अभी मैं आपको बता दूं बसपा में लगातार कभी भी कोई ऐसा सक्रियता नहीं दिखाई दी, कोई ऐसा जन आंदोलन नहीं दिखाई दिया कि जन संबंधी मुद्दों पर कभी आंदोलन किया हो, केवल वोट बैंक की राजनीति, विशेष वर्ग को लोहार करना है, उसको अपने पक्ष में लेना है, उसके लिए क्या करना है, पुराना धरना पुराना है, ब्राह्मण समाज को जोड़ना है, दलित समाज को जोड़ना है और सत्ता को प्राप्त करना है, जिसके लिए पटकथा रची गई और उनके महासचिव है सतीश चंद्र मिश्रा, उनकी अगुवाई में 70 जिलों में सम्मेलन किए गए, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किए गए और लोगों को प्रबुद्ध वर्ग को लुभाने का प्रयास किया गया, और यही फलसफा जो 2007 में अपनाया गया था कि हम ब्राह्मण को और दलित वर्ग को लेके सरकार में आएंगे, वही प्रयास बहुजन समाज पार्टी द्वारा किया जा रहा है। ठीक है अब आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस सक्रियता मैं बताऊं जिस दिन से जिस समय से प्रियंका गांधी लखनऊ में आगमन हुआ है, उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई हैं, विधानसभा चुनाव के प्रभारी भी हैं, उस समय से कांग्रेस में सक्रियता आ गई है, सम्मेलन भी हो रहे हैं, लोगों को जुटाया भी जा रहा है और साथ ही साथ अलग अलग मुद्दों पे प्रियंका गांधी एक विपक्ष में बड़ा नाम बन के आई है, लखीमपुर मुद्दे की बात कर ले या आगरा के मुद्दे की बात कर ले, लगातार वो अगुवाई कर रही हैं। लखीमपुर जिस तरह वो पहुंच गई थी, अन्य दल नहीं जा पाए थे, पीछे रह गए थे, पर जिस तरह से देखा गया पूरा तो कोई लोग मुझे कह रहे थे कि जानबूझ के सबको रोक दिया गया, प्रियंका गांधी को भेज दिया गया। देखिए जानबूझ के रोक दिया गया वो अलग बात है, पर यहाँ पर मैं सीधी बात ये कर रहा हूं, जैन साहब हंस भी रहे हैं तो कुछ तो है गड़बड़। जानबूझ के रोक दिया गया या गई कुछ भी प्रयास किया, पर उसका परिणाम सेवल एक है कि लखीमपुर मुद्दे में अगर मुख्य विपक्ष के रूप में कोई पार्टी सामने आई थी तो कांग्रेस आई थी। ठीक है अखिलेश जी सुबह रहे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, इको गार्डन गए, वहां से रिलीज कर दिए गए,
वही स्थिति अन्य दलों के साथ भी रही, पर मैं आपको जिस तरह बता दूं कि जिस तरह से कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी सक्रिय हुई है उससे ये चुनाव दिलचस्प हो गया है। अच्छा, अब बात करते हैं सम्मेलन की, जो आपने सम्मेलनों की बात की, देखिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुए, जातिगत सम्मेलन हुए, अलग अलग वर्ग के सम्मेलन हुए। भारतीय जनता पार्टी 2019 की तरह इस बार भी अपने जो जातिगत सम्मेलन होते हैं, वर्ग सम्मेलन होते हैं, उन पर विशेष बढ़त बनाए हुए हैं, लगातार सम्मेलन किए जा रहे हैं, समाज विशेष सम्मेलन किए जा रहे हैं और जनता संवाद स्थापित किया जा रहा है कि उनको अपने पक्ष में लिया जाए, 2022 में दोबारा सत्ता में पहुंचा जा सके। और भैया समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष में है, सक्रियता शुरू से रही है, पर एक बात जो सबसे बड़ी बात है मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन सब बातों के बीच जन संबंधी मुद्दे कहां गए? आप ये बताइए कि यात्राएं निकाली जाती हैं, यात्राओं की बात कर ले, कांग्रेस की तिरंगा यात्रा शुरू हो गई है, आम आदमी पार्टी की यात्रा निकाली गई, कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा निकाली गई, समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा निकाली जा रही है, प्रसपा की जो है समाज परिवर्तन रथ यात्रा निकाली जा रही है, पर जनता की हित यात्रा कब निकाली जाएगी? जनता के हितों की बात कब की जाएगी? अच्छा एक सवाल है मेरा गौरव जी आपसे, कल एक ये जो रैली हुई है मऊ में ओपी राजभर और अखिलेश यादव की, इस रैली से क्या बीजेपी को नुकसान हो रहा है, नुकसान दिख रहा है कुछ ऐसा? देखिए ओम प्रकाश राजभर जब से बीजेपी से अलग हुए थे, पहले भी बीजेपी में रहे तब भी उनके बयानबाजी रहती थी, बयानबाजी करते रहते थे, अलग अलग बयान से, तब तो वो सपा के अगेंस्ट में ही बोला करते थे, किसी को जीतने नहीं दूंगा, अलग उनकी खासा थी, उनके अलग ही विचार थे, अलग ही उनकी मांगे थी, हालांकि मांगे को बहुत कुछ आधारगत भी थी, पुरानी उनकी मांगे थी, फिलहाल उन्होंने जब से वो बीजेपी से अलग हुए थे लगातार छोटी छोटी पार्टियों को अपने साथ में जोड़ने के प्रयास कर रहे थे, वो इस प्रयास को करते उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया, कई लोगों को जोड़ा, सुनने में आ रहा था कि ओबीसी की पार्टी से भी उनका जो है गठबंधन होने वाला है और वो भी उनके साथ भागीदारी संकल्प मोर्चा में जुड़ेगी, पर यहाँ पर सारी बातों को हटाते हुए अभी कुछ दिन पहले उन्होंने राजधानी लखनऊ में वार्ता की थी और उन्होंने बीजेपी के लिए भी विकल्प खोले थे, पर जिस तरह से उन्होंने कल औपचारिक रूप से समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया है और मिलकर चुनाव करने की घोषणा की है, तो एक बात साफ मान लीजिए कि पूर्वोत्तर की जो राजनीति है वो इस मामले से गहरा गई है। अब बीजेपी कुछ भी बोले, चाहे सपा कुछ भी बोले, चाहे कांग्रेस भी कुछ भी बोले, मेरा मानना केवल यह है कि ये चुनाव जो है बहुत दिलचस्प हो गया। ठीक है, अब मैं एक प्रमुख सवाल जो है वो चौबे जी से पूछना चाहता हूं। चौबे जी, अभी आप उत्तर प्रदेश की कमियां गिना रहे थे कि उत्तर प्रदेश में क्या है, महिला अपराध एटसेट्रा, कई सारी चीजें आपने बोली हैं। मैं यहां आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि रेप के मामले में राजस्थान नंबर वन है, आपको पता है ये खबर, इस चीज के बारे में जानते हैं। दूसरी चीज सुनिए, मैं इसी साल का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ और भी कुछ दिन पुराना आंकड़ा बता रहा हूँ, शायद आप स्टडी नहीं की है आपने। दूसरी चीज ये है, बिजली के दाम वहां पर क्या है और बिजली के दाम यहाँ पर क्या है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अच्छे हैं, सब खुश है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन पहले अपने घर में भी देखना सीखिए चौबे जी। 7 रुपया यूनिट वहां पे भी शायद बिजली का दाम है और आप लोग यहाँ के बिजली के दामों के मुद्दे को उठाते आए हैं, तो ये जो आप लोग का परसेप्शन है ना, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक परसेप्शन हो रहा है जनता की नजर में और जनता समझ रही है। 800 करोड़ का घोटाला तो 3 दिन में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बिजली विभाग में कर लिया ना। अच्छा, और इनका जो मीटर है, मीटर घोटाला भारतीय जनता पार्टी सरकार, तो इसीलिए राजस्थान में दाम बढ़ा दिए क्या आप लोगों ने? कोई कार्रवाई हुई? इनका मीटर है कि राफेल के स्पीड से भागता है वो पैसा, उद्योगपतियों फर्मों के हाथों में जाता है। आज किसान का बिजली बिल पहले 400 के बजाय 500 से स्टार्ट होता है और मीटर है कि वो उसकी रफ्तार रुकती ही नहीं, मतलब किसान अब बिल ही और आम आदमी भरते भरते यही वाला राजस्थान में लगवाया है। बिजली बिल इनकी बहुत महंगी हो गई। अरे यार अबे भाई, भैया मैं आपसे कह रहा हूँ राजस्थान की बात बताइए, राजस्थान को लेकर आप कुछ नहीं बोल रहे। राजस्थान में कहां कोई आंदोलन हो रहा है, कोई बिजली विभाग का आंदोलन है? यहां तो बिजली विभाग नहीं, विपक्ष नहीं, मैं ये कह रहा हूं सत्ता दल। सुनिए चौबे जी, एक छोटी सी बात है, एक छोटी सी। राजस्थान में कोई महिलाओं का कोई कैंडल मार्च है? नहीं है। अच्छा, सुशासन है वहाँ? कोई स्टूडेंट या बेरोजगार नौजवान कहीं वहाँ राजस्थान जयपुर में लाठी खाते हुए आपको दिख रहे हैं? नहीं ना। वहाँ जनता अमन चैन और गांधी की जो, महात्मा गांधी जी की जो परिकल्पना थी राम राज्य, तो वहाँ राम राज्य है, यहाँ नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल रावण राज है, जंगल। अच्छा, राज है। अच्छा, दुर्योधन राज है। ठीक है, लखीमपुर खीरी में आपने दुर्योधन राज नहीं देखा? आपने उन्नाव और हाथरस में जो है रावण राज नहीं देखा? ठीक है, मैं जवाब ले लूं। जैन साहब कुछ पूछ हो गया चौबे जी, मैं जवाब तो ले लूं भाई साथी से। प्रवक्ता साहब मैं पूछ रही हूं, मैं उन्हीं से पूछने जा रहा हूं। हत्याएं और ब्राह्मणों की हत्याएं, मैं पूछ तो लूं। राज में होता है कि राम राज में? ठीक है, मैं पूछ लेता हूं। हां जैन साहब, भारतीय जनता पार्टी के साथ में 7 पार्टियां हैं,
अलग अलग तरीके अलग अलग सात दलों ने समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी को और पूर्ण रूप से उनके साथ चुनाव लड़ने की घोषणा दी थी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव जी ने उनको सबको पार्टी में ज्वाइन भी कराया है। और दूसरी बात ये कि अभी बात हुई काम की, तो देखिए चुनाव तो बिल्कुल सिर पे आ गया, इसने क्या काम किया है, कब कहां पे क्या काम किया, जिन प्रदेशों में जो सरकारें हैं जो पार्टियां वो क्या काम कर रही हैं, जनता कहीं ना कहीं उसका भी मंथन कर। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में एक तो गरीब जनता सुरक्षित है, महिलाएं बेटियां सुरक्षित है। नहीं सर ये तो मैं नहीं मानूंगा, मैं तो नहीं मानूंगा। देखिए मैंने राजस्थान के मुद्दे को भी उठाया है, मैंने राजस्थान के मुद्दे को उठाया तो मैं यूपी की बात भी कहूंगा। अगर आज 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन पूरे देश में अगर 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है तो ये किसकी सफलता है? ये जो 100 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ है ये क्या नीति, जो जो केंद्र सरकार की नीति है, जो उत्तर प्रदेश नहीं क्राइम ग्राफ की बात करिए जैन साहब, जैन साहब एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार तो आप कुछ मानते हैं उस रिपोर्ट को कि नहीं मानते? आपने तो 50% लोगों को भी वैक्सीनेशन नहीं करा। देखिए देखिए टीम काले कानून आप बता रहे थे कभी और किसानों के पीछे छुप करके जो आप राजनीति कर रहे हैं, जिसे अपने घर से जनता देख रही है लगवाने और आप बिल्कुल सफल होने वाले नहीं है। पोलियो का हो, रही बात मलेरिया प्रदेश को हो, कभी कांग्रेस उत्तर प्रदेश को केवल और केवल टूरिस्ट प्लेस बना रखा है, जब मन होता है घूम के चले जाते हैं, महिलाओं को नहीं लगेगा और जनता ने पार्टी के समय में कोई जनता ने आपको अस्वीकार कर दिया, वैक्सीनेशन जनता ने राहुल गांधी जी को अस्वीकार कर दिया, उनको वायनाड भागना पड़ा, घर से किसी को निकल के जाना पड़ा, दो जगह से वो चुनाव पहले से क्यों लड़ना चाहते थे उनको मालूम था कि हम हार जाएंगे, और आपके मालूम था विधानसभा उपचुनाव हार जाएंगे इसलिए चोर दरवाजे विधान परिषद से भाग गए, दोनों डिप्टी सीएम भाग गए, लोकसभा उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में आपके मुख्यमंत्री जी का मत जिस वार्ड में आता है लोकसभा में वहां से नहीं जीता पाए, आप कौन सी जीत की? अरे आप उपचुनाव में अभी 8 सीटों पे उपचुनाव हुआ था उसमें आप हमारा देख लीजिए, आप भांगरमाऊ का वोट प्रतिशत देख लीजिए हमारा, आप भानपुर का देख लीजिए, आपने सत्ता का जो तांडव मचाया उसके बाद भी हमारा देख लीजिए, इसके बाद सफाया हो गया आपका नहीं, इसके बाद आप हमारा क्या होता है प्रतिशत देख लीजिए जनता ने भगाया। चौबे जी ढक्कन क्या होता है? ढक्कन कह रहे हैं जैन साहब आपको, ढक्कन तो जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में कर दिया। अरे जिला पंचायत सदस्य किसके हैं जो 15 लाख देने का वादा किए थे, शायद वही जनता और किसान थी जो अभी नोटबंदी लेके बैठे गए फाड़ दी, अभी नोटबंदी 15 लाख यही सब वही जनता है, हिम्मत नहीं है किसानों के बीच में आज जाने की, ये क्या बात करेंगे ये डरे हुए लोग हैं। चलिए ठीक है प्रदीप भाई, ठीक है मैं आ रहा हूँ लोग हैं, ठीक है हो गया प्लीज, लेकर के बड़े बड़े कांग्रेस के नेता तो भारतीय जनता प्लीज हो गया जैन साहब, हो गया भाई चौबे जी, अरे आप बाकियों को तो बोलने दीजिए भाई, अरे मैं सामने एक दिन बैठा दूंगा आप लोगों को, भैया मैं एक दिन आप लोगों को सामने बैठा दूंगा, ठीक है प्लीज जैन साहब और चौबे जी प्लीज प्रदीप जी को जोड़ लेते हैं, प्रदीप अरे हो गया भाई चौबे जी प्रदीप जी को, अरे भैया सुन तो लो मेरी बात, आप प्रदीप भाई कुछ कहना चाहेंगे आप, आपने उपलब्धियां सुनी दोनों ही पार्टियों की कि उनके उनके राज्य में क्या है उनके राज्य में क्या कांग्रेस का, प्रदीप भाई वही माँ बेटे पल पल के बनते रहेंगे, कोई और भी बनेगा अध्यक्ष कांग्रेस, प्रदीप जी आवाज मिल रही है आपको, आपके 300 सांसदों चौबे जी प्लीज हो गया भाई, अगले को तो बोलने दीजिए, दो जुमले वाले ही देश चलाएंगे, ठीक है हो गया अब मैं आ रहा हूँ, अभी मैं आऊंगा चौबे जी, घोषणा 2014 में किया था चौबे जी, मैं आऊंगा प्लीज, अस्तित्व है कहीं एक भी ऐसा एम्स बता दीजिए जहाँ इलाज हो रहा हो, ठीक है, आपके प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में जियो यूनिवर्सिटी घोषित किया, उस यूनिवर्सिटी में एक भी विद्यार्थी है, मैं यूपी की बात कर रहा था छोड़िए, ठीक है हम बात कर लेंगे, हम फिर बात करेंगे, अरे भाई और आए एक कमरे का भी वो विश्वविद्यालय, समय कम है इसलिए बाकियों की बात ले ले चौबे जी, अरे पानी पी लो भाई आप थोड़ा, चौबे जी पानी पी लो थोड़ा भाई, आप देश तोड़ने वाले लोग हैं, अरे चौबे जी तोड़ने वाले लोग हैं, आप समाज तोड़ने वाले लोग हैं, अरे चौबे जी सुन लो भाई, आप लूटने वाले लोग हैं चौबे जी प्लीज, आप नौजवानों के पैर तोड़ने वाले बेरोजगार नौजवानों के विधानसभा पे लाठी
चार्ज करा के पाल तोड़ने वाले गुंडे, आप माफिया हैं, आप मवाली हैं, प्लीज प्लीज मैं ऑडियो गिरवा दूंगा चौबे जी, मैं ऑडियो गिरवा दूंगा प्लीज चौबे जी, आप दुर्योधन के चौबे जी मैं ऑडियो गिरवा दूंगा प्लीज, अब हो गया प्लीज शांत रहिए। प्रदीप भाई जैन साहब मैं आ रहा हूँ, प्लीज जैन साहब मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ ठीक है जैन साहब मैं आ रहा हूँ। प्रदीप भाई आवाज मिल रही है, प्रदीप चौधरी जी आवाज मिल रही है आपको? नहीं आवाज नहीं मिल रही। गौरव भाई कंक्लूड कीजिए, क्या आगे की समीकरण उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक दल है ये हमें दिखा रहे हैं और हम देखना चाहते हैं, और किन मुद्दों पर हमें अपना वोट देना जरूरी है? देखिए मैंने पहले भी कहा था कि जन संबंधी मुद्दों पर कोई काम नहीं कर रहा है, बात अपने अपने आंकड़े दे रहे हैं हमारे भाई चौबे जी, कांग्रेस की सरकार की बता रहे हैं कि जहां जहां सरकार है। नहीं उन्होंने कांग्रेस की सरकार पे तो बोला ही नहीं, वो कह रहे हैं हमारे यहाँ सब खुशहाल है, कोई कैंडल मार्च नहीं कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश में जो राजनीति हो रही है वो मुफ्त की राजनीति की तरफ जा रही है। आम आदमी पार्टी बोलती है हम 300 यूनिट देंगे, प्रियंका जी ने अभी प्रतिज्ञा ले ली है, उन्होंने कहा कि हम बिल माफ कर देंगे, स्कूटी दे देंगे। भाई क्यों दे देंगी, क्यों दे देगी आम आदमी पार्टी, क्यों दे देगी सपा और क्यों दे देगी कांग्रेस, देंगे कहां से और देंगे कहां से? प्रदेश में बिजली वैसे मुहाल है, ठीक है देंगे कहां से, व्यवस्था है नहीं, राजस्व कहां से लाएंगे, पेट्रोल कीमत बढ़ती चली जा रही है, कैसे मुहैया कराएंगे? पर यह बताइए कि जन संबंधी मुद्दों का सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, जो प्राथमिक पाठशाला की तरफ ध्यान कौन देगा, सरकारी व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान क्यों देगा, बेरोजगारी क्या बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की तरफ ध्यान कौन देगा, ये कोई ध्यान में नहीं है। जनता हितों की बात सब भूल गए हैं, सामाजिक सम्मेलन हो रहा है, रैलियां हो गया ही है, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, अपनी अपनी ताकत दिखाई जा रही है और वर्ग विशेष की बात की जा रही है। अरे भैया जनता तो आपकी है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो चाहे किसी जाति धर्म की हो, जनता तो आपकी उत्तर प्रदेश की है, जनता आप जनता के संबंधी मुद्दों की बात करिए ना। आप कांग्रेस की बात करते हैं आज प्रतिज्ञा है तो केवल लुभावनी प्रतिज्ञा क्यों, अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो वो भी कह रहे हैं हम ये करेंगे, आज उन्होंने लैपटॉप बांट दिए, अरे लैपटॉप बांटे हैं पर लैपटॉप चलाने के बिजली कहाँ से आएगी, बिजली इतनी महंगी है उसकी व्यवस्था कौन करेगा, बिजली मुफ्त मिल जाएगी, चलो भैया वो भी मिल गई तो सब मुफ्त में हो जाएगा, तो सरकार राजस्व कहाँ से लाएगी, इन्फ्रा कहाँ से लाएगी, कहाँ से व्यवस्था करेगी? आज केजरीवाल जी है दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली में क्या उन्होंने दिखाया, मोहल्ला क्लिनिक की हालत मुझे पता है, जो पत्रकार से कोई ना बताए, अपने अपने पार्टी का खूब महिमा मंडन करिए पर पत्रकार को ना बताइए, पत्रकार जड़ में जाके बताता है कि कहां पर क्या हो रहा है, चाहे सपा की सरकार रही हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे इसमें वर्तमान में योगी सरकार रही हो, पत्रकार को सब पता होता है, पूरा जानकारी है कि कहां पर क्या हो रहा है। सरकार प्रयास करती है, मैं कोरोना की बात कर लूं, कंक्लूड कीजिएगा समय कम है, कोरोना की बात कर लूं, कोरोना में ये बताइए कि आज लुभावने वादे किए जा रहे हैं, जानकारी दी जा रही है, तब ये लोग जनता के लिए क्यों नहीं निकले, क्यों सरकार पर सारा ठीकरा फोड़ दिया कि सरकार करे? अरे आप लोग भी तो विपक्ष में हैं, आप लोग भी तो जनता के मुद्दों की बात करते हैं, आप लोग को जनता के बीच आना चाहिए, आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, क्यों नहीं आए, क्यों आपने जनता का सहयोग नहीं किया, क्यों आपने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम नहीं किया? ठीकरा फोड़ना बहुत आसान होता है मित्र, पर उसको निभाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप जनता को मुद्दे की बात करते हैं, जनता के लिए बात करते हैं, तो जनता के लिए काम करिए, जनता को वोट मांगने नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का इस प्रमुख मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। तो आज उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल है उस माहौल पर हमने चर्चा की और ये जानने की कोशिश की कि अब आगे की क्या माहौल और आगे की क्या तैयारियां राजनीतिक दलों की रही है। लेकिन फिलहाल जिस तरह की डिबेट हुई है उस डिबेट से ये साफ साबित हो गया है कि अभी भी वही आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चरम पर है। जनता के मुद्दे, हमारे आपके मुद्दे, उन पर कोई चर्चा विचार विमर्श नहीं होना है, बस एक मुद्दा है आरोप और प्रत्यारोप का कि फलाने की सरकार ने क्या काम किया, क्या करना चाहिए था, और हमारी सरकार इतना बेहतर कर रही है तो फलाने उसको देखकर क्यों नहीं सीख रहा। ये जो फलाने वाला मामला है ना, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बहुत पहले से चलता आया है और इसी ने कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में विकास को रोका है, इसी ने उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी को बढ़ाया है, इसी ने उत्तर प्रदेश में समस्याओं को पैदा किया हुआ है। फिलहाल सरकारें प्रयास जरूर कर रही हैं कि इस पूरी व्यवस्था को बेहतर किया जाए, लेकिन एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुहाने पर चुनाव है और उस चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उन नतीजों के बाद ये जरूर पता चलेगा कि अब आगे क्या होना है। आज की डिबेट में तय जनमती, नमस्कार। अच्छे दिन होगा पानी के।